गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे तो जी आज दिन है वीरवार का तारीख़ है चौदह दिसंबर और टाइम हो रहा है सुबह के ठीक बज रहे हैं साढ़े छः तो साढ़े छः से थोड़ा सा ऊपर ही टाइम है तो ये देखिए करीब छः चालीस के आसपास का टाइम हो रहा है मैं बस अभी अभी उठी हूँ और यहाँ जो है ना सबसे पहले उठने के बाद यही काम होता है कि यहाँ पानी लगाना होता है कि छोटी जो बाल्टी है ना इसमें मैं पानी लगा रही हूँ तो सबसे पहले यही एक काम है तो बाल्टी में ना पानी गर्म करने के लिए लगाना है तो इस बाल्टी में मतलब पूरा हो जाता है नहाने के लिए एक बच्चे के लिए हो जाता है तो आप चाहें तो दो बाल्टी कर सकते हैं अगर बड़े किसी इंसान को नहाना है ना तो दो बाल्टी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बाल्टी पहले इसलिए लगा रही हूँ पहले मुझे काव्या को नहलाना है तो चलिए फ्रेंड्स पानी गरम लगा दिया है तो बस अब फटाफट से जो है ना जो सुबह वाली झाड़ू होती है वो लगानी है और लाइट्स ऑन करनी है जो भी सारी लाइटें हैं ना वो ऑन करनी होती हैं और इतनी सारी लाइटें ऑन होने के बाद भी ना मेरे फ़ोन में उतनी रोशनी नहीं आ पाती पता नहीं क्यों तो वो जितनी है नॉर्मली होती है तो बस यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ मैं और उसके बाद सब जो किचन का एरिया है ना इसमें पोछा भी लगा दूँगी मैं तो कई बार रूटीन में जो है ना चेंजेस आ जाते हैं जैसे मतलब पहले ये वो पहले वाला रूटीन है कि मैं नहा मतलब नहाती थी झाड़ू पोछा लगाने के बाद ना सीधा नहाती थी तो आजकल सर्दियों का टाइम है ना तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है तो इसी वजह से ना आज सोचा कि आज थोड़ा टाइम से उठ गई हूँ तो ये काम कर लेती हूँ तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई और जो किचन का एरिया है इसमें पोछा भी लगा दिया था और धीरे दीर, धीरे धीरे मैं बच्चों को आवाज़ें भी लगाई रही थी कि आप उठ जाओ क्योंकि धीरे धीरे ही उठ पाते हैं बच्चे वैसे तो स्कूल लेट है आठ सवा आठ तक लेट है अब स्कूल लेकिन फिर भी अभी से उठाऊँगी ना तभी जाके ये उठेंगे क्योंकि सर्दियों का टाइम है और तो बच्चे जो है ना अपना जो वही है फ्रेश मूड में आने में थोड़ा टाइम लेते हैं बस झाड़ू पोछा करने के बाद ना होता है काम ये मतलब जो भी रात वाले बर्तन है टोकरी में इनको लगाना है रैक में आ, सीधे लग गई थी लंच बनाने की तैयारी में तो जी आ, रात को मटर छील के रख दी थी और अभी जो है ना कट करी हूँ आलू आलू ये नए वाले हैं जो मतलब मिट्टी ज़्यादा होती है जिनमें धोने में इतना टाइम लगता है नॉर्मल आलू होते हैं ना तो उनमें तो इतनी देर में कट पिट के साफ अलग हो जाते हैं लेकिन ये वाले आलू जो ना धोने वगैरह में भी इतना टाइम लेते हैं तो बस मैं बनाऊंगी आलू मटर की थोड़ी कम रसे वाली सब्ज़ी तो मटर आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है ना तो बस मटर इतनी सारी आ जाती है कि हर सब्ज़ी में जो है ना मटर का एक अलग ही रोल हो जाता है जैसे हम आलू गाजर बनाएंगे उसमें भी मटर ऐड कर देते हैं आलू गोभी बनाते हैं उसमें मटर ऐड कर देते हैं मटर पनीर आलू मटर तो मतलब मटर का जो है ना रोल एक्स्ट्रा हो जाता है तो बस वही है कि यहाँ पर जो है ना आलू वगैरह कट कर लिए हैं तो फटाफट से इसको कर लेते हैं झोंकने की तो जी यहाँ पर कुकर ले लिया है उसमें एक चमचा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है तो ये जो वही चमचा है जिससे सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आ, मस्टर्ड ऑयल वगैरह हम लोग ऐड कर देते हैं सब्जी में तो बस आ, जब तक ऑयल होगा ना तब तक जो है ना मैं अपने टमाटर प्याज़ वगैरह जो भी मुझे कट करने हैं उनकी कर लूँगी तैयारी अच्छा यहाँ पर जो है ना मस्टर्ड ऑयल जो है ना गर्म होने में टाइम ले ही रहा था क्योंकि आज गैस जो है ना दूसरी वाली भी बहुत मंदी हो गई पहले जो छोटी वाली गैस बहुत मंदी चल रही थी और अब जो है ना बड़ी वाली भी हल्की हल्की कम सी हो गई पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसमें तो बस ऑयल हो गया था तो बस यहाँ पर जो है ना मैं यहां पर इसमें डालूंगी लहसन प्याज का पेस्ट पेस्ट डालने के बाद सीधे मतलब टमाटर वगैरह डाले और उसके बाद जो है ना इसमें सूखे मसाले साथ के साथ ही ऐड कर दिए थे तो जब तक मसाला भुनेगा अच्छे से तब तक जो है ना मैं यहाँ पर इसमें आलू डाल दूँगी क्योंकि आलू मुझे ज़्यादा कसाने हैं आजकल मटर तो है ना बहुत जल्दी कस जाती है गल जाती है लेकिन आलू में टाइम लग जाता है और अगर मैं आलू के हिसाब से सीटी लगाऊंगी तो मटर फैल जाएगी तो इसीलिए लिए ना मुझे पहले आलू कसाने हैं इसमें अच्छा आलू अच्छे से कस गए थे उसके बाद जो है ना करीब मैंने पंद्रह से बीस मिनट बाद मटर ऐड करी तो आलू बहुत अच्छे से गल गए थे और मतलब ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और मैं इसमें पानी भी बहुत कम मतलब आधा गिलास के करीब ही डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रसा नहीं चाहिए इसमें और साथ के साथ ही मैं इसमें धनिया ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक से दो ही सीटियाँ लगानी है तो इतने में धनिया जो है ना मतलब दिखेगा बिखरेगा नहीं तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कुकर बंद कर दिया और इधर देखिए सब्जी बनकर हो गई थी बिल्कुल रेडी और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बनी थी और आलू भी जो है ना गल गए थे तो जी फटाफट से यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ तो आटा वगैरह मैंने लगा दिया था जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक जो है ना फटाफट से मैंने अभी मेरे को यहाँ पर रोटियाँ बनानी है और एज़ यूजल पहली रोटी जाएगी गाय को तो साथ के साथ ही जो है ना बाकी सब बच्चों के टिफिन भी मैं साथ के साथ ही पैक कर दूँगी अच्छा एक बात और है कि आज धैर्य भी जाने वाला है स्कूल तो उसकी कल बात हो गई थी तो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में दिखाया भी था इनफैक्ट मैंने तो बस आज दहरिया भी जाने वाला है तो उसका भी टिफ़िन होगा पैक आज तो बहुत दिनों से सोच रहे थे हम इस बात को लेकिन नहीं हो पा कहते ना जिस चीज़ का जब टाइम होता है ना तभी होता है तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट से रोटियाँ बना दी हैं तो चलिए फटाफट से पैक भी कर सो so फ्रेंड्स मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत देर बाद मतलब बहुत देर का मतलब आधा घंटा तो मैंने हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया है धैर्य को स्कूल छोड़ा आई थी नहा ली थी पूजा कर ली थी उसके बाद मैं अब पी रही हूँ चाय तो मतलब मेरी चाय रखी रखी ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो गई थी और जैसे होते हैं ना कि रखी वाली चाय लेकिन अब मैं इसको फेंक भी नहीं सकती थी और बस मेरे को दोबारा बनाने का आलस हो गया बस मैंने यही चाय पी ली थी अब गर्म करके अच्छे से और फटाफट से जो है ना मैं चाय वगैरह पी लग गई थी अपने बाकी के कामों में तो धैर्य को छोड़ के आई ना तो आज वो बोल रहा था कि मतलब मेरे को नहीं जाना है तो जब से तो क्रेज था उसे रात से तो कि हाँ मैं जाऊंगा तो सुबह जब स्कूल में एंट्री की ना तो उसके बाद बोल रहा था नहीं जाना लेकिन मैं छोड़कर आ गई और फर्स्ट डे दे है देखते हैं कैसे बिताएगा अपना फर्स्ट डे सो so फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना चाय वगैरह मेरी हो गई है तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मतलब किचन समेटना है मुझे पहले तो उसके बाद जो है ना किचन क्लीनिंग भी करनी है तो चलिए फटाफट वड़ से किचन क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी बर्तन थे उनको साफ़ करना है और सब खाना बन गया था ना तो बर्तन सारे ही खाली हो गए थे सब्जी वगैरह भी सब मतलब खाली कर दी थी और कुकर वगैरह सब खाली हो गया था और बस मुझे गैस वगैरह क्लीन भी करनी थी साथ के साथ ही तो बच्चे जब चले जाते हैं ना आ, मतलब पहले धैर्य होता था तो उसके चक्कर में कभी ये कभी वो घर में शोर शराबा भी होता ही रहता था लेकिन आज जो है ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं घर में और बगैर धैर्य के ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी लेकिन अब यही है ना स्कूल तो उसको भेजना होगा अगर मैं नहीं भेजूँगी ना तो मन पे रहूँगी तो ये काम कभी हो नहीं पाएगा अगर मन का क्या है मन तो हमारा मतलब इच्छाओं से भरा रहता है कभी पूरी नहीं होती है है तो तो बस इसी वजह से ना मैंने उसको आज भेज दिया लेकिन मेरे पूरे दिन दिमाग में यही रहा था कि पता नहीं कैसे रह रहा होगा क्या होगा तो बस आज रहेगा आज भर लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ की आदत हो ही जाएगी मुझे तो जी बर्तन वगैरह साफ हो गए बातों ही बातों में और यहाँ पर जो है ना गैस क्लीन कर रही हूँ गैस को क्लीन करने के बाद सीधा जो है ना मतलब बेडशीट वगैरह को ठीक करना तो पहले जो है ना मैंने किचन मैं एंट्री की थी ना तो बस किचन को ही समेट दिया है अब फटाफट से जो है ना अब ये क्लीन हो जाएगा तो मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा तो बस फटाफट से जो है ना चलते हैं कमरे में तो यहाँ पर गैस को क्लीन कर दिया इनका टिफ़िन पैक कर दिया तो अब यहाँ किचन में, में मेरा कोई काम था नहीं तो बस आ, लास्ट का ये काम था गैस को क्लीन करना सो so, फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ कमरे में तो यहाँ पर जो है ना फटा फटाफट से बेडशीट ठीक कर रही हूँ और जस्ट उसके बाद जो है ना ब्लैंकेट वग़ैरह अच्छे से लगाने हैं मुझे अच्छा बेडशीट अब सर्दियों में ना मोटी मोटी ही समझ में आती है कि बस यही बिछानी है इनके अलावा जो कॉटन वाली बेडशीट थी ना वो तो ऐसे भूल से गए हम कि पता नहीं कहाँ रखी होंगी कैसे रखी होंगी और बस अब उनकी तो याद भी नहीं आती तो बस अभी जो है ना फटाफट से कमरे का भी, का भी काम हुआ है ख़त्म मेरा उसके बाद जो है ना जो भी कमरे में फैलावा होता है जैसे बच्चे अपने कपड़े चेंज करके गए और कहाँ कौन से उतार के गए बस उनको समेटना कंगे वगैरह ये सब भी काम बहुत सारे हो जाते हैं सो so फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आ गई हूँ अभी अपने इस काम में तो आ, फाइनली घर के सारे काम ख़त्म हस्बैंड भी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर तो मैं यहाँ पर लग गई अपनी ड्यूटी पर तो मुझे आज ये एक सूट सिलना था कस्टमर का और ये जो है ना तीन दिन हो गए इसको आए हुए तो एक सूट और था वो तो मैंने सिल ही दिया था लेकिन इसको नहीं सिल पाई थी कटिंग नहीं कर पाई थी इसकी तो आज जो है ना मैं फ्री थी बिल्कुल जल्दी काम भी हो गया था तो मैंने सोचा इसको लगे हाथ निपटा ही देते हैं अच्छा वीडियो की स्पीड जो है ना इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है ना ऑलरेडी इतनी हो चुकी थी लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट जरूर अपलोड करूंगी ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सको तो आई होप आप सबको इसके में भी समझ में आ ही रहा होगा वैसे मैंने बहुत बार सूट की कटिंग फिटिंग जो है ना मैंने डाली हुई अपने वीडियोज में चाहे तो आप ओल्ड वीडियोस देख लेंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि मतलब किस तरीके से मैंने इसमें कटिंग uh, की है निशान लगाए हैं और किस तरह से मतलब सिलाई की है तो जी यहाँ पर जो है ना सूट की कटिंग हो गई स्लीव्स की कटिंग हो गई अब ये जो गले भी मैंने साथ के साथ प्रेस से अटैच कर दिए थे तो ये पेस्टिंग वाले गले हैं इनको अगर हम चिपका देते हैं कपड़े पर तो ये चिपक जाते हैं इजीली अच्छा सूट में से कपड़ा नहीं बचा था तो मेरे पास ऑलरेडी पीला कपड़ा बचा था तो मैंने उसमें से जो है ना इसको अटैच कर दिया और कपड़ा ऐसे ही काम आ जाता है एक दूसरे का बस्ता है ना उस हिसाब से काम आ जाता है तो जी यहाँ पर ये गले हैं ये फ्रंट का गला है और बैक का गला बिल्कुल गोल है राउंड नेक है तो बस ये फ्रंट के बाग पे मैं इसको अटैच कर दूँगी और ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम बाद आज सिलाई की वीडियो ऐड की है तो काफ़ी दिन हो गए मुझे सिलाई का कोई भी मतलब मैंने कुछ भी पार्ट नहीं डाला था तो ये जो सूट की कटिंग फिटिंग है ना ये थोड़ी सी स्पीड हो गई है और मुझे लग भी रहा है कि आप सबको समझ में आ भी रहा होगा वैसे स्पीड बेशक कितनी भी हो लेकिन तरीका आप सबको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा तो जी यहाँ पर ये गला बन गया है और इस गले को मैं ऐसे अटैच करूंगी कि इस हिसाब से जो है ना ये मतलब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए अच्छा ये हो गया बैक का गला अब ये राउंड नेक है तो आ, राउंड नेक ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग बैक पे तो है ना वैसे भी राउंड नेक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं जो है ना ये गले वगैरह इकट्ठे लेकर आती हूँ जो भी मतलब स्टिचिंग का सामान होता है ना वो मैं आ, हमारे यहाँ जो मार्केट है मैं कई बार आपको बताया भी है तो वहीं मिल जाते हैं सिलमपुर मार्केट में तो मैं बहुत बार वहाँ से लाई हूँ और और उसी हिसाब से मिलते हैं जैसे मतलब हमारे बजट में आ सकें तो ये सब चीज़ें अगर इकट्ठी होती है ना तो हमें बार बार दुकानों पे नहीं भागना पड़ता अच्छा जी गले अटैच हो गए तो अब मैं इसके मुड्ढे ऐड कर रही हूँ मुड्डे ऐड करने के बाद सीधा जो है ना मैं इसमें स्लीव्स ऐड करूँगी अभी देखिए ये राउंड नेक पीछे वाला है तो इसको भी मैं ऐसे अटैच कर दूंगी बिल्कुल कच्ची सिलाई से ताकि क्योंकि इस पर होगी तुरपाई बाद में तो तुरपाई का काम होगा बाद में अब ये जो है ना मुड्ढे अब ये स्लीव्स मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँगी अच्छा बाजू जो हमेशा मैं खुली वाली लगाती हूँ तो एक तो होती है गोल बाजू एक होती है खुली बाजू तो खुली बाजू इसलिए लगाती हूँ कि जो कस्टमर है ना वो बाद में भी अगर उसका साइज बढ़ता घटता है ना तो उसको प्रॉब्लम ना हो उसको कहीं भगना ना पड़े और सिलाई जो है ना साइड में से इजीली खुल सके और लग सके तो ये फ़ायदा होता है खुली बाजू का तो जी गले वगैरह हो गए बाजू भी अटैच हो गई अब ये देखिए यहाँ मैंने फ़िटिंग का निशान लगा लिया है स्लीव्स पर और ये देखिए यहाँ तक मैं इसको फिटिंग कर दूंगी बिल्कुल आ, लास्ट तक और वापस से एक सिलाई लगा दूँगी जिससे क्या होगा कि मतलब सिलाई जो है पक्की हो जाएगी और बाजू जो है ना बिल्कुल पक्की हो जाएगी तो जी यहाँ पर ये देखिए बाजू रेडी हो गई है तो सूट बिल्कुल रेडी है तो जी साथ में चाक वगैरह भी सब मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था सूट और मतलब फिनिशिंग का जो भी है तुरपाई वगैरह का वो मैं करूँगी बाद में तो फ़िलहाल के लिए मैंने सूट को बिल्कुल अच्छे से रेडी तो कर दिया है सिल गया है सूट तो और मतलब इसकी फ़िनिशिंग वगैरह का सारा काम जो है ना ख़त्म हो गया है साइड के जो चाक वगैरह थे ना वो भी मैंने कच्चे से मोड़ दिए हैं जैसे कच्चे सिलाई से मोड़ते हैं ना कच्ची सिलाई से तो वो मोड़ दिए हैं बस इनकी फिनिशिंग का जैसे तुरपाई वगैरह ना वो रहता है और अभी बज गए हैं सवा ग्यारह तो हमारी गड़ी में सवा ग्यारह वैसे ये आगे है पाँच मिनट तो ग्यारह दस या ग्यारह पाँच हुए होंगे सो so, अभी जो है ना मुझे बारह बजे लेने जाना है धैर्य को तो so, मतलब उसका टाइम है साढ़े बारह का लेकिन फ़ोन मैंने फ़र्स्ट डे था तो इसलिए फ़ोन करके आई थी कि मतलब मैं अगर कोई दिक्कत हो रोए ज़्यादा तो मुझे फ़ोन कर देना लेकिन शायद फ़ोन नहीं आया तो वो ईज़िली खेल रहा होगा या फिर उसका मन लग गया होगा बच्चों में तो ये एक अच्छी बात है ना कि अगर मन लगाएगा तो ठीक है क्योंकि अब डेली ही जाना है धीरे धीरे आदत होगी उसको सुबह के टाइम तो थोड़ा रो भी रहा था जाते वक्त मतलब यहाँ से तो अच्छे से चला गया था स्कूल में जाके रो रहा था और अभी मैं उसको लेने जाऊँगी तो देखते हैं फर्स्ट डे था उसका कैसा था तो अभी फ़िलहाल के लिए ना अभी मेरे पास टाइम है काफ़ी तो बारह बजे या सवा बारह मैं यहाँ से जाऊँगी तो उस रास्ते में काव्य का स्कूल भी पड़ता है तो मैं दोनों को साथ लेकर आऊँगी तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग जो जो ब्लॉग की लेंथ जो है ना काफ़ी हो गई है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कैसा लगा आपको आज का वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में टिल बाय बाय एंड टेक केयर